गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, धन्नो ट्यूटोरियल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए प्राइवेट बैंक में जॉब के वैकेंसी से रिलेटेड आपके लिए अपडेट लेके आया हूँ, जिसमें फ्रेंड्स मैं आप लोगों को ICICI बैंक PU प्रोग्राम के बारे में, HDFC बैंक SO प्रोग्राम के बारे में, एक्सिस बैंक PU प्रोग्राम के बारे में, उत्कर्ष फिनांस स्मॉल फिनांस बैंक के बारे में, बंधन बैंक और जो भी अन्य प्राइवेट बैंक्स हैं इनके रिक्रूटमेंट के बारे में बताऊंगा, जिसमें आप लोगों का कैसे सिलेक्शन हो सकता है, कैसे आप इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं और इनका जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इनका एग्ज़ाम होता है, उसे आप लोग कैसे क्लियर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ICICI बैंक PU प्रोग्राम के बारे में कि इसमें इसके थ्रू आप लोग कैसे क्या गेन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ICICI बैंक PU प्रोग्राम के लिए आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे क्या करेंगे ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। तो फ्रेंड्स, ये आप लोग ICICI कैरियर डाल के लिंक आप ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। ICICI कैरियर डाल के गूगल में सर्च कीजिएगा, उसके बाद आपको एक ऐसा विंडो आएगा, यहाँ पर आप लोग न्यू यूज़र के लिए साइन अप कीजिएगा, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ, देखिए अभी साइनअप हो रहा है। ओके, साइनअप अभी थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, सो स्लो हो रहा है। तो अभी जैसे ही साइनअप होगा फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग वहाँ पे अपने जो भी डिटेल्स हैं, जैसे नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, उसके अलावा आपको आपका CV, जैसे ये आ गया, ठीक है। आप यहाँ से आप लोग अपना जो आपका CV होगा, यहाँ से आप लोग अपना CV ब्राउज करके, जैसे डॉक्यूमेंट्स आप गए, डॉक्यूमेंट्स में आप जो भी है आपका, जहाँ भी होगा, आप यहाँ से आप CV अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ करके, एक सेकंड मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई इशू ना आए। यहाँ पे मेरा कोई डॉक्यूमेंट्स भी, एक सेकंड फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आप फ्रेंड्स, एक्चुअली मेरा कोई डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आ नहीं रहा है, तो फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग अपना मतलब अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेंगे, ठीक है। आपका जो रिज्यूम होगा उससे आप लोग अपलोड कर लेंगे। रिज्यूम अपलोड करने के बाद यहाँ से आप लोग अपना पर्सनल डिटेल डालेंगे, जैसे यहाँ पे टाइटल है तो अपना टाइटल, जैसे कि आपका आप ये डलिए मिस्टर, ठीक है, आपका XYZ जो भी नाम होगा, ठीक है। इसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, आपको जेंडर आपको बताना है आपका, और आपका डेट ऑफ बर्थ बताना है, आपका पैन नंबर यहाँ पे अनिवार्य है फ्रेंड्स, पैन नंबर आपको देना ही देना है, ठीक है। जैसे ही पैन नंबर देंगे उसके बाद आपको मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, और ये सभी चीज़ें देने के बाद यहाँ से आप प्रोसीड करेंगे, ठीक है। प्रोसीड करेंगे उसके बाद आपसे एकेडमिक डिटेल्स पूछा जाएगा, आपने अपने कौन सा डिग्री किया है, क्या किया है। जैसे अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप लोग अपने ग्रेजुएशन का सारा डिटेल देंगे। उसके बाद आप वर्क एक्सपीरियंस में आएंगे, तो अगर आपने कहीं इससे पहले जॉब किया है किसी भी पोस्ट पे, तो उसके बारे में आप लोग यहाँ पे डिटेल देंगे। उसके बाद यहाँ पे सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन होगा, जिसमें आप लोगों को बैंक से रिलेटेड कुछ मतलब जानकारी पूछी जाएगी। उसके बाद जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, आप लोग अप्लाई सबमिट हो जाएगा, और सबमिट होने के तुरंत बाद आपको जो आपने यहाँ पे ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर दे रखा है, उस पे आप एक को कन्फर्मेशन मैसेज आएगा, ठीक है, कन्फर्मेशन मेल आएगा। कन्फर्मेशन मेल में आपको दिखाया जाएगा कि हाँ, आपने आपका ये जो ICICI बैंक पे जो है आपका कैरियर सीट जो है आपका ओपन हो चुका है। इसके बाद आप लोग यहाँ पे आप लोग ये सर्च कीजिएगा, ICICI PU प्रोग्राम भी सर्च करेंगे अगर आप लोग, तो इसके बारे में, इस PU प्रोग्राम के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ इस PU प्रोग्राम में होता क्या है और आपको इसे करने से क्या फ़ायदा होगा, आपको कितना सैलरी मिलेगा आपके आफ्टर जॉब लगने के बाद। तो देखिए अभी ओपन हो रहा है विंडो, मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बताऊंगा इसके बारे में। ये रहा फ्रेंड्स, तो इसमें जो आप पेपर देते हैं, जैसे अभी यहाँ पे मेरिट लिस्ट दिखाया जा रहा है पिछले जॉब का, तो जैसे यहाँ पे ये PU प्रोग्राम के बारे में आपको नो आश, ठीक है, ये रहा, ठीक है।
इसमें आपको क्या होता है, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर पूरे एक साल आपको, जिसमें से 4 मंथ क्लासरूम ट्रेनिंग होता है, उसके बाद 2 मंथ इंटर्नशिप करवाता है ICICI बैंक में, उसके बाद आपको 2 मंथ का अगेन ट्रेनिंग होता है बेंगलुरु में, उसके बाद 4 महीने का ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है। ठीक है, इसके लिए आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 55% आपका मार्क्स होना चाहिए मिनिमम ग्रेजुएशन में, और आपका एज मैक्सिमम 25 साल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसके इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए फ्रेंड सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट देना होता है, जिसे आप वहां से आप अप्लाई कीजिएगा। एप्लीकेशन करने के बाद जो आपका यहां पे ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, चलिए मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। एप्टीट्यूड टेस्ट आपका जब क्लियर होता है तो आपको साइकोमेट्रिक क्वेश्चनियर पूछा जाता है, उसके बाद आपको केस बेस्ड GD होता है। ठीक है, इसके बाद आपको जो है आपका ज्वाइनिंग मिलता है आप। ठीक है, यहाँ से आप लोग अब ये आप लोग देख लीजिए, जैसे कि मैंने आपको डाला ICICI PO प्रोग्राम, यहाँ से एकेडमिक में आ गए, यहाँ से अप्लाई आप कर सकते हैं। जैसे ही अप्लाई कीजिएगा, फिर वो जो मैं आप लोगों को पिछला विंडो दिखाया था उस विंडो पे आपको ले जाएगा कैंडिडेट्स लॉगिन पे, वहाँ से आप लोग साइनअप करके ये जैसे मैंने आपको यहाँ से बताया था, और साइनअप करके अपना सारा डिटेल फिलअप कीजिएगा। जैसे देखिए ये मेरा मैंने अपना बना रखा है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। 4-5-XFT ये रहा, ठीक है, ये मैंने आपको लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद आपको देखिएगा एक आएगा, जहाँ से आप लोग एक विंडो आएगा जिससे आप लोग अपना अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए भी ओपन हो रहा है, जिसे आप साइनअप कीजिएगा। जो आपको प्रोसेस दिखाया गया था, उस प्रोसेस को करने के बाद आपको एक यूज़र ID और पासवर्ड दिया जाएगा, ठीक है, आपको मेल में। ये देखिए जैसे मेरा आ गया, ठीक है, मैंने ये रहा, मैंने देखिए फ्रेंड्स इन सभी बैचों में अप्लाई किया था, और मैं यहाँ पे मेरा एग्ज़ाम भी निकला था, बट मैं यहाँ पे मुझे एक्चुअली करना नहीं था, सो मैंने ज्वाइन नहीं किया था। तो आप लोग देखिए यहाँ पे अप्लाई फॉर जॉब पे आ जाइए, ठीक है, एक मिनट, विंडो ओपन हो रहा है, हाँ ये आ गया। अभी जो ओपनिंग है, मतलब जो करंट PO प्रोग्राम है, उस PO प्रोग्राम के बारे में आपको यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, जो भी PO प्रोग्राम होने वाला है। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है फ्रेंड, तो थोड़ा टाइम लग रहा है विंडो ओपन होने में, तो चलिए देखिए ये देखिए आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग जैसे इसके जो और भी वैकेंसीज हैं, जैसे सेल्स ऑफिसर, रिलेशनशिप मैनेजर, तो ये एक्सपीरियंस्ड पर्सन के लिए हैं। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप लोग इन सब वैकेंसीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए जो भी है, जितने भी वैकेंसीज है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो, क्योंकि ये सभी जो है ये सब आपको एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब है। ठीक है, ये देखिए आ गया ये प्रोबेशनरी ऑफिसर प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ से आप लोग इसको क्लिक कीजिएगा। ठीक है, ये देखिए क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक करने के बाद आपको आ गया जॉब डिटेल्स, ओपन हो रहा है, ये ओपन हो गया, ये आपको जो मैंने आपको डिटेल बताया था सारा डिटेल आ गया, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। ठीक है, अप्लाई कीजिएगा, आपका वही आएगा लॉगिन ID और पासवर्ड मांगेगा, वहाँ से आप लोग लॉगिन ID पासवर्ड करके आप लोग अपना इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो आपको January-February में एग्ज़ाम होता है, और इसके अलावा बीच में भी आपको August-September में भी एग्ज़ाम होता है, तो अगर आप लोग एग्ज़ाम करते, जैसे देखिए मेरा आ गया ना, ये हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर दिस जॉब, तो आपको आप लोग ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आप लोगों को जब एग्ज़ाम होगा उस वक्त आपको एडमिट कार्ड आएगा, और आप लोग अगर जिस स्टेट से, हर स्टेट में इसका अपना एग्जामिनेशन सेंटर है, तो आप लोग वहाँ जाके आप पेपर दीजिए, पेपर क्वालिफाई होता है, उसके बाद आप लोगों को साइकोमेट्रिक और GD के लिए कॉल आएगा, और वहाँ से आप लोग अपना अगर सिलेक्टेड होते हैं तो आपको इसमें सिलेक्शन मिलेगा। और अब आपको मैं सैलरी डिटेल्स के बारे में बता दूँ कि सैलरी आपको कितना मिलता है। सैलरी डिटेल्स के बारे में आपको बता दूं तो ये देखिए 34,561 रुपये आपको एज ए सैलरी मिलता है आपको। ठीक है, और ट्रेनिंग के दौरान आपको जो मिलता है आपको ये देखिए आपका बेसिक पे ये होता है। ठीक है, और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको जो 4 महीने का लास्ट इंटर्नशिप ऑन जॉब इंटर्नशिप होता है, उसमें 15,000 रुपये ये लोग पे करते हैं, और बाकी जो 8 महीने 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से पे करते हैं। ठीक है, तो आप लोग फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छा है, अगर आप लोग
पीओ बैंक पीओ के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपका गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट किसी बैंक में नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई करके और आप लोग यहां से सिलेक्शन लेके एक अच्छा अर्निंग कर सकते हैं और एक बहुत अच्छा करियर स्कोप है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि जैसे HDFC में, बंधन बैंक में और भी जितने भी प्राइवेट बैंक हैं उनमें आप कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो का लेंथ जो है काफ़ी लंबा होते जा रहा है। मैं आप लोग अगर आप लोगों को ICICI PO के बारे में कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को पूरे डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना। थैंक यू फ्रेंड्स।